हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक इन आवर चैनल ज्योतिषिकावत ब्लॉग। तो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ लंच रूटीन से। तो यहाँ पे मैंने बनाई है करेले की सब्जी और ये बन रहा है सूजी का हलवा। और करेले की सब्जी कड़वी होती है इसलिए उसके साथ सूजी का हलवा बनाया हुआ है। सॉरी, किचन थोड़ी मैसी पड़ी है मेरी। ड्राई फ्रूट्स और सारे ग्रोसरी अभी लाए थे तो वो सब मैंने निकाल के यहीं रखी है और बस मैं अभी रख दूँगी ये सारे जमा के। तो पिस्ता मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, दूध में, खीर में, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस इसीलिए मैंने अभी निकाले थे क्योंकि इनका मैं कुछ बनाने वाली थी सारे ड्राई फ्रूट्स का। और गाइज़ ये मैं थोड़े थोड़े निकाल के डाल रही हूँ हलवे में। किशमिश, बादाम, पिस्ता, काजू वगैरह सारी चीज़ डाल दूँगी मैं हलवे में और बाद में डालूँगी फिर शक्कर। और ये बनाई है गवार की सब्जी। और यहाँ पे गवार की सब्जी, करेले की सब्जी, हलवा, छाछ, सैलड, सारा सब कुछ बना के नाश्ता वगैरह सब पूरा सुबह मॉर्निंग में फिनिश हो गया था। अब सब लोगों ने लंच कर लिया, मैंने पूरा बर्तन वगैरह कर दिया क्लीन, किचन क्लीन कर दिया। और सॉरी, आज मैं थाली बना के वीडियो आपके लिए मतलब बताना भूल गई। बस ऐसे ही जल्दी जल्दी में कुछ काम आ गया था और मैं बहुत टायर्ड हो गई थी आज। आप देख सकते हो मेरे फेस से भी लग रहा होगा कि बहुत थक गई थी मैं। और ये जो है मैं सुबह सुबह यहाँ पे कर रही थी डोरमेट क्लीन, क्योंकि बहुत ज़्यादा जैसे मेरे किचन के डोरमेट्स हैं तो किचन में है ना डोरमेट्स, एक तो मैं मेरे पैरों के नीचे रखती हूँ और एक अलग रखती हूँ। वो बड़ा वाला डोरमेट था ना, वो मैंने अभी उठा के रख दिया क्योंकि अभी डस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है यार उड़ के। तो मतलब उसको धोना थोड़ा हैवी है ना वो, तो इसलिए धोना थोड़ा सा मेरे को मतलब टफ हो जाता है हाथ से। और मशीन में तो मैं उसको धोती नहीं हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी है वो और पानी भर के और ज़्यादा भारी हो जाता है, तो इसीलिए मैं हाथ से धोती हूँ। इसीलिए मैंने वो रख दिया और ये छोटे छोटे मैंने ले लिए हैं। और आपको शायद थोड़ी सी आवाज़ बाहर से इधर उधर से आएगी तो उसके लिए सॉरी। बस यहाँ पर मैं इनको पहले पानी में निकाल लिया है क्योंकि डस्ट वगैरह होती है ना वो निकल जाती है। और उसके बाद मैं यहाँ पे लगा दूँगी पाउडर डाल के, इनको थोड़ा सा वॉश करूँगी और फिर साबुन और ब्रश से करूँगी इनको मैं साफ़। और गाइज़ आप सब लोग भी कैसे करते हो क्लीन मुझे ज़रूर बताना आप सब लोग। तो आज बहुत ज़्यादा थकान थी लेकिन ये काम भी करना था मुझे क्योंकि मैं इनको 3-4 दिन में धो देती हूँ। किचन में ही सबसे ज़्यादा हमारा काम रहता है और किचन में ही मोस्टली बहुत ज़्यादा डोरमेट्स का वर्क रहता है। मैं नीचे मेरे पैरों के रखती हूँ, मुझे आदत ही है, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो या फिर बारिश हो, कोई भी मौसम हो। और एक्चुअल में क्या है, मेरा एक मतलब नियम समझ लो या फिर मेरी हैबिट समझ लो कि वैसे मैं पूरे घर में चप्पल पहन के रहती हूँ लेकिन जब मैं खाना बनाती हूँ किचन में तो मैं चप्पल नहीं पहनती हूँ। पता नहीं, वो शुरू से मुझे आदत ही है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरे मन में ऐसा, बस हाँ मुझे पता नहीं क्यों खाना बनाती हूँ। जब मेरे गाँव में है ना, शुरू से ऐसा था, मेरी मम्मी, मेरी दादी, कोई भी किचन में है ना चप्पल पहन के नहीं आने देते थे। और रसोई के आजू बाजू में कहीं भी आसपास भी चप्पल दिख जाती थी ना तो मतलब बहुत बड़ी वाली डांट पड़ती थी। तो वही आदत हो गई है मुझे शुरू से कि मुझे किचन में ऐसे किचन तक तो, लेकिन खाना मैं नहीं बनाती चप्पल पहन के मोस्टली। कोई बहुत ही कुछ मुझे जैसे कभी याद नहीं रहेगा या कुछ होगा तो ही, वरना मैं नहीं बनाती चप्पल पहन के। इसीलिए मैं पैरों के नीचे डोरमेट रखती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे मैं इनको साबुन मतलब पाउडर में अच्छे से निकाल लूँगी और उसके बाद मैं इनको साबुन से और उनको मतलब कूट के साफ़ कर लूँगी। और यहाँ पे मैं ये जो फ्लोर क्लीनिंग के हमारे मैट मोप होते हैं ना और पोछे होते हैं उनको भी क्लीन कर लूँगी। तो मेरे आप देख सकते हो कि ऐसे मोप है ना 3 कर रखे मैंने क्योंकि डेली नहीं धो पाते यार हम इनको भी मोप को। तो मैं जब भी पोछे धोती हूँ ना तो उनके साथ ही तीनों को धो लेती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि मेरे 3-4 पोछे हैं और 3 मोप हैं तो मैं इनको या तो 2-3 दिन बाद धो देती हूँ, वरना मैं इनको है ना वीक में धोती हूँ इकट्ठे एक साथ। और जब वीक में मैं इनको धोती हूँ ना तो फिर इकट्ठे सबके मतलब मोप को और पोछों को एक साथ धो देती हूँ। और या फिर डोरमेट्स जैसे मैं धोती हूँ तो इनके साथ भी मैं इनको धो लेती हूँ 3-4 दिन में, 5 दिन में। बस इसी तरह से मैं मेरा क्लीनिंग का सारा रूटीन कर लेती हूँ फाइनल। तो गाइज़ आप सब लोगों को अगर मेरा वीडियो ज़रा भी पसंद आए ना, अगर किसी को हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट तो करना ही, शेयर करना और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक कर देना अगर न्यू है तो। ठीक है, चलिए मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद।
तो यहाँ पे देखो मैं इसी तरह से मोप को धो लूँगी। मैंने पहले इसको पाउडर में गला दिया था और फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने इसको साइड में रख दिया था और मुझे ये दिखा नहीं और मैं इसको भूल गई। फिर मैंने पूरा ये जो बालकनी है ना, मतलब ये जो मेरी धोने वाला चौकड़ी बोलते हैं हमारे यहाँ, तो इसको आपके यहाँ क्या बोलते हैं वो भी मुझे आप बताना, कि जहाँ पे हम जैसे बर्तन वगैरह कपड़े वगैरह धोते हैं जो एरिया होता है ना, उसको वॉशिंग एरिया, वहाँ पे उसको मैंने पूरा क्लीन कर दिया, धो दिया, उसके बाद मुझे ये दिखा तो वो गीला हो गया उधर सारा। मैंने पट्टा वगैरह सब धो दिया बैठने वाला, तो फिर मैं ऐसे ही बैठ के इसको धो दे रही थी मैं, चलो एक ही चीज़ है तो मैं धो देती हूँ। और मेरे मोप स्टिक भी टू हैं, लेकिन वो मेरी एक बड़ी वाली जो स्काई ब्लू वाली है ना वो टूट गई है, और रेड वाली है ना वो भी अभी ऊपर से थोड़ी छोटी हो गई है। तो दोनों को मैं यूज़ करती हूँ, एक को मैं बाहर का जो है ना, बाहर का सीढ़ियाँ वगैरह, बाहर का जो एरिया है वहाँ साफ़ करती हूँ। तो चलिए गाइज़ मैं मिलती हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।